नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और ये छोटी सी वीडियो है आप सबको अपडेट करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 सितंबर 2020 से फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स में कुछ चेंजेस किए हैं और उन्हीं को अपडेट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। साथ में जो प्रीमेच्योर पेनल्टी है, इस टाइम अगर आप टाइम से पहले अपने फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। ये आप स्क्रीन पे देखिए, फिक्स डिपॉजिट अगर आप बुक करते हैं 2 करोड़ से नीचे के अमाउंट की, तो ये जो स्क्रीन पे दिए हैं ये इंटरेस्ट रेट होंगे। यहाँ पे आप कॉलम देख सकते हो टेन्योर्स, ये टाइम दिया है कितने टाइम के अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट होगा। अब ये जो फर्स्ट, ये जो सेकेंड आप देख रहे हैं ये पुराने इंटरेस्ट रेट्स हैं, और ये जो थर्ड वन है इसमें मैंने लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट दिए हैं 10 सितंबर 2020 से। ये वाले इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेंगे 2 करोड़ से नीचे की फिक्स डिपॉजिट बुक करने पे। और सीनियर सिटीजन के जो पुराने इंटरेस्ट रेट थे ये हैं, और आज के जो इंटरेस्ट रेट है सीनियर सिटीजन के लिए 10 सितंबर 2020 से जो एप्लीकेबल है वो ये वाले हैं। जो इंटरेस्ट रेट पहले 5.10% था वो अब कम होके 4.90% रह गया है। और सीनियर सिटीजन होकर अगर आप 1 साल से 2 साल से नीचे के टाइम फ्रेम की फिक्स डिपॉजिट बुक करना चाहते हैं तो एट प्रेजेंट आपको मिलेगा 5.40%। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो ओल्ड टेन्योर्स हैं उसका जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.50% एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है सीनियर सिटीजन को। अब आप ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फिक्स डिपॉजिट अमाउंट अगर आपका 2 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो ये जो स्क्रीन पे इंटरेस्ट रेट्स आप देख रहे हैं ये ही एप्लीकेबल है। ये जो इंटरेस्ट रेट्स आए थे ये 27 मई 2020 को आए थे, उसके बाद से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको चेंज नहीं किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी काफी कम है। तो ये आप टेन्योर देख सकते हो कितने टाइम के अगर आप फिक्स डिपॉजिट बुक करते हो, तो 27 मई 2020 से अभी तक यही एप्लीकेबल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इंटरेस्ट रेट ये होंगे। अब आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रीमेच्योर विड्रोवल। प्रीमेच्योर विड्रोवल क्या होता है, जब भी आप फिक्स डिपॉजिट बुक करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नहीं सोचा होता और कुछ टाइम बाद आपको अपने पैसे की जरूरत महसूस होती है और आप अपनी फिक्स डिपॉजिट से कुछ अमाउंट निकालने की या पूरी फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करने की सोचते हैं। तो आजकल ज्यादातर जो बैंक्स हैं वो पार्शियल विड्रोवल की फैसिलिटी भी देते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आपने 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट बुक की है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 5 लाख ब्रेक करना पड़े। आप चाहो तो अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है तो आप 50,000 रुपए भी निकाल सकते हो, तो इसको बोलते हैं पार्शियल विड्रोवल। तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ भी आती है, ऐसी सिचुएशन, तो आप पार्शियल विड्रोवल का यूज करें ना कि फुल्ली विड्रोवल का। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने फिक्स डिपॉजिट बुक की थी, जो जो अमाउंट आप निकालते हैं उसको छोड़कर जितना भी अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट बचती है वो उसी इंटरेस्ट रेट पे चलती है थ्रू आउट द टेन्योर, जितने टाइम के आपने फिक्स डिपॉजिट बुक की थी, क्योंकि टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं। तो अगर आप पूरी फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करते हैं और एक नई बुक करेंगे तो हो सकता है उस टाइम तक इंटरेस्ट रेट्स और भी कम हो जाए। स्क्रीन पे देखिए, अगर आप फिक्स डिपॉजिट बुक करते हैं 5 लाख तक के अमाउंट की, तो जो प्रीमेच्योर विड्रोवल पेनल्टी है वो 0.50% है। अगर आपके फिक्स डिपॉजिट 5 लाख या उससे ऊपर के कितने भी अमाउंट की है तो जो प्रीमेच्योर विड्रोवल पेनल्टी है वो 1% ही रहेगी। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों को अपडेट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स के लिए। ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में कि आप इन डेप्थ एंड इजिली प्रोडक्ट्स को समझ सके, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नीचे आप राइट साइड में देखेंगे सब्सक्राइब रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, देन साथ में ही आपको बेल आइकन घंटी का निशान दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। तो उस जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनमें कुछ भी चेंज आता है, फिक्स डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में कोई चेंज आता है, वो सब आपको टाइमली मिलता रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी, बाय बाय।